विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना का दिन कल सरस्वती पूजा है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और सरस्वती की पूजा दोनों मनाया जा रहा है। और सरस्वती पूजा को लेकर जो उल्लास जो देखा जा रहा है, हम पटना के गांधी मैदान के पास आए हैं और यहाँ मूर्ति बाजार है और कई लोग जो है यहाँ मूर्ति की बिक्री करते हैं। और देख सकते हैं कि अभी शाम का वक्त हुआ है और मूर्ति खरीदने वालों की भी भीड़ यहाँ लगने लगी है। कल सुबह सुबह माँ सरस्वती की पूजा होगी और उसको लेकर जो छात्र हैं आज अन्य संगठन के लोग जो पूजा करते हैं वहाँ आज ही कई जगह आज ही मूर्ति जा रही है, तो कहीं कहीं कल भी मूर्ति जाएगी। और मूर्तिकार जो है लगभग 2 महीने से इस मूर्ति बनाने में लगे हुए रहते हैं। ये पूरा मूर्ति बिका हुआ है? लगभग बिका हुआ है, कुछ खाली है। कुछ खाली भी है, रेडीमेड भी तो लोग आते हैं लेने के लिए। छोटा मूर्ति रेडीमेड में बिकेगा? ये बड़ी मूर्तियाँ सर? बड़ी मूर्तियाँ बिकी हुई है। तो लोग कल लेकर जाएंगे? नहीं, आज भी ले जाएंगे कितना लोग, और कितना लोग कल सुबह भी ले जाएंगे। तो यहाँ पर कई आकर्षक मूर्तियाँ भी देखी जा रही है। ये देख सकते हैं कि ये माँ सरस्वती की मूर्ति है, ये शायद ऑर्डर का है। और यहाँ भगवान विष्णु का चित्र भी इसमें लगाया गया है और माँ सरस्वती की भी। अमीलो का है, शंकर जी है वो। अच्छा। शिव जी का रूप दिया गया है। तो ये क्या ऑर्डर का है? हाँ, सब ऑर्डर का। आप मूर्तिकार ही हैं? हम लोग सब मूर्तिकार ही हैं। तो ये भगवान शंकर की प्रतिमा के साथ माँ सरस्वती की प्रतिमा दिखाई गई है। मूर्तिकार को लोग पहले से ऑर्डर देते हैं, तो वैसे मूर्तिकार पहले से ही बना कर रखते हैं कि आज के दिन भी देखिए अभी कितने लोग खरीद कर मूर्ति को ले जा रहे हैं। उसमें बड़ी मूर्तियों के साथ साथ छोटी मूर्तियों की भी बिक्री जोरों पर है। और देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग अपने घरों में माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए छोटी मूर्तियाँ ले जाती है। हर साल तो हम लोग बेचते ही हैं, लेकिन इस बार बाज़ार मंदा मंदी बहुत ज़्यादा है। पता नहीं क्यों है बाज़ार मंदा मंदी। सुबह से तो बैठे हुए, उतना माल भी हम लोग का नहीं निकल रहा है, बिक्री नहीं हो रहा है। और क्या, 2 साल से तो कोरोना को लेकर। हाँ हाँ हाँ, वो तो कोरोना के लेकर के था, जो कोरोना खत्म भी हुआ। तो ज़्यादा उल्लास होना चाहिए। देखिए आपके सामने तो दिख रहा है जो है, अब हम क्या बोल सकते हैं इससे ज़्यादा। सब आपने बनाया हुआ या खरीदा? नहीं, बना भी है और बाहर से भी सब आया, कलकत्ता से भी आया है। खुद का बनाया हुआ? हाँ। 200 से लेकर 2000 तक के भी है। हाँ। छोटी भी मूर्तियाँ हैं? कितने? हाँ। कितने का होगा? 100 से लेकर के 2000-3000 तक की मूर्ति है। ये मूर्ति कितने का होगा? 1400 पड़ेगा मूर्ति का। क्या आपने घर पर बैठाते हैं बच्चों के लिए? हाँ, हम लोग घर पर बैठाते हैं। हर साल ले जाते हैं? हर साल ले जाते हैं बच्चों के लिए, और इसको ले जाके रखते हैं, फिर अगले साल इसका विसर्जन करते हैं। पिछले साल जो बैठा है इस साल विसर्जन करेंगे। क्या मूर्ति का कीमत क्या है? ठीक है, अभी के हिसाब से मूर्ति की कीमत सब ठीक है। ठीक है। हाँ, कितने का मिला? ये 300 रुपये बता रही है। 300? हाँ, महीनों का मेहनत भी रहता है। मेहनत है, रात दिन लगा हुआ लोग बैठा हुआ, आज रात भर बैठेगी सब, कोई कुछ तो चाहिए लोग। देखिए खरीदार भी इस बात को समझते हैं कि मूर्तियाँ देखने में तो वास्तविक खूबसूरत है, परंतु इसको बनाने के लिए जो मेहनत लगते हैं, जो पूरे परिवार जो है मूर्तिकार के, जो पूरे परिवार होते हैं 2 महीना तक लगे हुए रहते हैं, छोटे से बड़े। ठंडी में हाथ कपता है, ठंडी मार देता है पूरा कपड़ा, कितना बदन पर पहने, कितना गरीब आदमी कहाँ से करेगा। हाँ, सब सामान महंगा हो रहा है, सब सामान देख रहे हैं, महंगाई कहाँ चल गया। कितने दिन से तैयारी में रहते हैं? 2 महीना से हाथ पानी में डलने रहता है, हम लोग को मजदूरी भी नहीं मिलता है, जितना खटनी है इस समय सब तो खोता है। अब एक दिन का पूजा है तो इसको रख के क्या करेंगे, है इसको तो कैसे, अब बचे या नहीं बचे। सभी ऑर्डर का है कि ऐसे ही बना? नहीं, रेडीमेड बनता है। ऑर्डर नहीं मिलता? ऑर्डर मिलता है तो बनता है, और रेडीमेड भी बनाते हैं हम लोग के जगह के बड़ी पर। हम लोग तो पूरा रात जगना होगा? आज जानते हैं 15 दिन से दिन रात जगना पड़ता है। आज तो क्योंकि खरीदार तो आएंगे ना, और डरेबड़ी है तो 2 दिन से दम दिन रात न सूखता है आदमी।
हाँ, हम लोग हॉस्टल से आए हैं मूर्ति खरीदने। हमारे हॉस्टल में सारी तैयारियाँ चल रही है, हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है। अभी हम लोग माँ को लेने आए हैं यहाँ पे। क्या खरीदने आए हो या पहले से ऑर्डर किए? नहीं, ऑर्डर किए हुए लेने आए हैं। कौन सा मूर्ति है वहाँ पे? वो सेकंड वाला। तो कौन हॉस्टल या यहीं पर है, कहाँ पर? हाँ, पटना यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, गंगा छात्रावास। अभी हाँ, हम लोग गंगा छात्रावास से। कब से माँ सरस्वती की पूजा कर, मतलब अभी तो हॉस्टल में घर पर भी करते हो? क्या सोच रहता है? मेन तो है कि स्टूडेंट्स में सरस्वती पूजा एक बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है, क्योंकि हम लोग बुक्स से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं और सरस्वती माँ को कहा जाता है कि वो ज्ञान की देवी है। तो हम सब स्टूडेंट्स इसका बहुत वेट करते हैं और ये हॉस्टल में हमारा पहला साल है जब हम लोग सरस्वती पूजा मनाने जा रहे हैं, तो हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं। माँ से क्या मांगेंगे? यही मांगेंगे कि अच्छा विद्या दे। विद्या तो दे, लेकिन क्या कुछ आगे की सोच? यही कि सब सबको ही आगे बढ़े, जो सबका ड्रीम है वो सबका ड्रीम पूरा हो, सबको ही अपने अपना ड्रीम को अचीव करें, आगे बढ़े, यही कामना के साथ माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। ये पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की छात्रा है, अभी मूर्ति खरीदने के लिए आई हैं और ये सोच होता है, और छात्रों में खासकर आज का दिन काफ़ी उत्साह होता है कि माँ सरस्वती की पूजा है और इनके इसको लेकर जितना मूर्तिकार बिजी रहते हैं उतना ये छात्र भी बिजी रहते हैं कि कैसे सरस्वती पूजा का फेस्टिवल अच्छे ढंग से मने माँ सरस्वती कैसे खुश हो, इसको लेकर ये पूरी तैयारी करती है। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, पटना।